Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu is joining us on the broadcast. Sir, a very good morning to you. क्या आप बता सकते हैं कि सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है, जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं स्टेट में, बहुत बुरा हाल हो रखा है बारिश की वजह से, क्या एक्शन लिया जा रहा है सरकार द्वारा? 50 वर्षों में इतनी बड़ी तबाही हुई है, पर हमारी कोशिश के बावजूद जो जानी नुकसान है वो कम हुआ है, क्योंकि समय पर प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था। अभी जो कल रात को 2 बजे हमने 6 लोगों को बचाया, आज सुबह 4 बजे जो 29 लोग एक बिल्डिंग में फंस गए थे और बाढ़ में चारों तरफ से पानी आ चुका था, उनको सुबह 7 बजे निकाला है। कसोल में मनाली के पास एक कसोल जगह है, वहाँ 24 लोग फंसे थे, उनको बाहर निकाला है। तो अब जो लोग फंसे हुए उन सबको निकाल लिया गया है, और जो तबाही हुई है, लैंडस्लाइड्स हुई है, पुल बह गए हैं, सड़कें बंद है, अभी भी तेज बारिश चली हुई है, ऐसी तबाही पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। तकरीबन काफी नुकसान, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, और जहां से भी मैं डिप्टी कमिश्नरों से बात कर रहा हूँ, पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, हर सड़क बंद हो रही है, हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, बड़ी मुश्किल से लोगों का आना जाना, हमने कहा है कि बंद करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जो जब तक मौसम खुलता नहीं तब तक हमारा ये प्रार्थना है कि सब लोग घरों में ही रहे। स्कूल कॉलेजेस हमने 2 दिन के लिए बंद कर दिए। जी सर, कितने दिन लग सकते हैं सिचुएशन को नॉर्मल करने में? जब तक ये बारिश नहीं रुकती, ना हेलीकॉप्टर की सुविधा है रोड में, क्योंकि मैं खुद पूरे स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ, और मैं मुझे भी डिप्टी कमिश्नरों ने कहा कि अभी आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधी सड़क पानी के बीच में डूबी हुई है, मनाली और कुल्लू और इस रोड में, माने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हमारा पिछले रात से पूरी बिजली कट है। 130 मेगावाट का लार्जी प्रोजेक्ट तो वो पानी में डूब चुका है, और अभी सतलुज नदी के किनारे भी हमने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि सतलुज का पानी भी अब जो है वो जो डेंजर पॉइंट है उससे 4 मीटर नीचे ही रह गया, तो हमने उस तरफ भी जो सतलुज के हमारे डैम है उनके गेट खोलने का थोड़े थोड़े गेट खोलने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, उस तरफ भी हमने अलर्ट जारी कर दिया है, और एक मिनिस्टर्स की टीम सचिवालय में बैठे हैं, सभी विधायकों अपने विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति का जायजा ले रहे हैं, मंत्री लोग भी सभी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस दृष्टि से युद्ध स्तर पर इस आपदा से निपटने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। पिछले कल अमित शाह जी ने भी हमें फोन करके स्थिति के बारे में, होम मिनिस्टर साहब ने भी जानकारी प्राप्त की थी, और गवर्नर साहब ने भी हमारे से जानकारी प्राप्त की थी। जी सर, सबसे ज्यादा तबाही कौन से इलाकों में देखी जा रही है? पूरा हिमाचल प्रदेश तबाही हो रही है, क्योंकि किसी भी एक इलाके में ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं। पहले क्या होता था, कम बारिश किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है, ऐसी बारिश हमने अपने जीवन काल में पहली बार देखी है। कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या कोई असर है, इस बारे में स्टडी तो बाद में होगी, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट में एक बराबर है। ऊना में हमारा जो पंजाब के साथ इलाका लगता है उसमें पुल हमारे बह गए हैं, चंडीगढ़ के साथ जो बद्दी इलाका लगता है उसमें क्लाउड ब्रस्ट, उसमें पानी के कारण पुल बह गए हैं। तो ये सभी पूरे क्षेत्रों में जो पहाड़ी रीचीज है उसमें हिमपात हुआ है। चंदरताल में हमारे 200 पर्यटक है, लेकिन वो कैंप में है, टेंट वाले कैंप में, उनके पास खाने पीने की पूरी सुविधा है, और हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी वहाँ है, जैसे ही रोड खुलेगा उनको वहां से निकाल लिया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी से भी आपकी बात हुई, उस बारे में क्या आप हमें और बता सकते हैं? देखिए, मेरी उनसे बात हुई, स्थिति के आकलन के लिए हमसे पूछा है हमारे गवर्नर साहब ने, उसके लिए मैंने कल उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करवाया था, और अभी जो जिस प्रकार का नुकसान है वो लगता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए, जिस प्रकार की ये तबाही का मंजर है। तो मैं उनसे भी दोबारा आज ही मेरी 11:30 बजे फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर से बात है, SP से बात हो रही है, सभी अधिकारियों से बात हो रही है, सभी मिनिस्टर्स को मैं अभी लेने जा रहा हूँ। लेकिन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारी मोबाइल, जिसमें मनाली कुल्लू ये सब मोबाइल की इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी थोड़ी डैमेज हुई है, बिजली वहाँ नहीं है, पानी की पूरी पिछले कल से वहाँ पानी नहीं है, हम उसको भी रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने किस तरीके से पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी। न्यूज 18 नेटवर्क से उन्होंने खास बातचीत की और